सो गाइस, जैसा कि हमने BTTS सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि शाओयन अपनी शाओ फैमिली का बदला मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से लेने के लिए अपने भाई शाओली के साथ में मिलकर एक स्ट्रेटेजी को बनाता है। इसमें वो लोग अपनी एक अलग ही टीम को बनाएंगे जिसको प्रिपेयर करने के लिए जाएगा शाओली। साथ ही अब शाओयन भी दूसरी तरफ चला जाता है जहाँ पर उस फाइटिंग टेक्निक को जिसे उसके बारे में जुनैर ने बताया था, उस टेक्निक को सीखकर खुद को इतना ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है ताकि वो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से अपना बदला पूरा कर सके। साथ ही अब शाओयन का भाई शाओली अनफ्रैंकी ब्लैक लीग टीम के पास जा चुका है जिन लोगों को उन्होंने हरा दिया था, ताकि वहीं से वो अपनी टीम के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा कर सके। इसके बाद वो एक डीमन कम्युनिटी के पैलेस को दिखाया जाता है जहां पर हम वहां के तीन मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं जिनके असल में नाम होते हैं मिस्टर बोन, मिस्टर आयरन और मिसेस सू। तभी मिस्टर आयरन इस बारे में कहने लगता है कि पता नहीं हमारे मैड मास्टर ने टियान इंसेक्ट के राक्षस गेट को बनाकर आकर क्या ही सोचा था, क्योंकि वो ब्लैक फीट में इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। और शायद इसी वजह से हे मैंग ने हमें पहले अपने साथ में जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हम लोगों ने अपने अहंकार में आकर उसको इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से अब वक्त ये आ चुका है कि हम लोग ही मुसीबत में पड़ चुके हैं। यहाँ तक कि अब तो ब्लैक अलायंस का लीडर हान फेंग भी मारा जा चुका है, जिसकी वजह से उसकी ब्लैक लीग भी तितर बितर हो गई। इसीलिए मेरे ख्याल से क्यों ना हम लोग उसकी सिटी पर धावा बोलकर उस पर कब्जा कर लें और उस पर राज करने लगे, जिसकी वजह से हमें पैसा और ताकत के साथ साथ एक नई सिटी भी मिल जाएगी। लेकिन मैंने सुना है कि अब वहाँ पर साउ क्लेन कब्जा कर चुका है, जिसकी वजह से वो लोग हम लोगों से पहले ही वहाँ पर राज करने लगे। और इन बातों को सोच सोच कर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो फिर तभी एक सेविका उसको खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से वो सभी दासियां यहाँ से चली जाती हैं। तभी मिस्टर आयरन अपने दोनों साथियों से कहने लगता है कि मैं काफी देर से भौंके जा रहा हूँ, अब तुम लोग भी तो मुझे बताओ कि आखिर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे मास्टर कुयांग की मदद लेनी होगी। वो कहने लगता है कि अगर वक्त आया तो मैं तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। मिस्टर आयरन की इतनी सारी बातें सुनने के बाद फिर मिस्टर बोन कहने लगते हैं कि मैंने सुना है कि शाओ क्लेन का सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा डो लेवल पर पहुंच चुका है, जिससे कि तुम उसकी ताकत का अंदाजा तो लगा ही सकते हो। तो मिस्टर आयरन कहने लगता है कि मुझे किसी भी बात का डर नहीं है, हान फेंग के मर जाने की वजह से उसकी सिटी अब एक डूबती नैया की जैसे हो गई है, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हम लोग वहां पर गए तो हमारा सामना कोई भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि शाओ क्लेन वाले भी इसी मौके का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी कोई भी उनको टक्कर देने वाला तो है ही नहीं। लेकिन फिर मिसेस शू हंसते हुए कहने लगती है कि क्या तुम भूल गए कि पिछली बार जियांग नैन कॉलेज में क्या हुआ था, और मुझे लगता है कि शायद तुम उसी का होने का इंतजार कर रहे हो। लेकिन तुम्हें इस बारे में भी नहीं भूलना चाहिए कि शाओ क्लेन वाले बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं और वो लोग इस तरीके के काम सदियों से करते आ रहे हैं, और वैसे भी अभी तो जियांग नैन कॉलेज से कोई भी जवाब नहीं आया, इसीलिए मुझे भी लगता है कि अब हमें ब्लैक लीग के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेना चाहिए, क्योंकि जब हान फेंग नहीं रहा तो हम बिजनेस किसके साथ में करेंगे। और इस बात को सुनकर बोन्स भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि तुम दोनों के बातों से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, इसीलिए हमें भी जाकर उस सिटी में अपना हिस्सा जमा लेना चाहिए। इसके बाद हमें अगले ही सीन में उन घाटियों को दिखाया जाता है जहाँ पर शाओयन अपना कल्टिवेशन कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ के चारों तरफ की जो ग्रीन एनर्जी है अब वो फ्लो होते हुए सीधे जाने लगी है शाओयन के बॉडी के अंदर, क्योंकि वो अपनी इस टेक्निक को सीखने के लिए अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था। और तभी शाओयन को जैसे ही लगने लगता है कि हाँ, वो इतनी एनर्जी को गैदर कर चुका है जितने में वो फर्स्ट सील को ब्रेक कर सकता है, इसीलिए फिर वो तुरंत ही अपने पावर्स की मदद से उसी हैंड मुद्रा को बनाने लगता है जैसा कि उसने उसे फर्स्ट टाइम यूज करते हुए बनाया था। और वाकई में अब ये अटैक देखने में और भी ज्यादा पावरफुल लगने लगा था, यहाँ तक कि शाओयन अब तो अपने इस टेक्निक को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ब्रेक थ्रू कर लेता है, और फिर वो इस टेक्निक का सीधा अटैक कर देता है एक पूरे माउंटेन के ऊपर, जिससे कि ये अटैक अपने पावर्स को दिखाते हुए एक काफी बड़े माउंटेन को चीरते हुए आगे निकल जाता है। लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी को यूज करने की वजह से शाओयन भी अब थोड़ा थोड़ा थकने लगता है, और वो भी अपने इस टेक्निक का नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है कि उसने केवल अपने एक ही अटैक से एक बहुत ही बड़े माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो कहने लगता है कि शायद अब मैं इसमें कामयाब हो चुका हूँ। वो कहता है कि इस पावर के साथ तो मैं अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दूंगा, अब केवल मुझे इंतजार है तो केवल उस फाइटिंग मूवमेंट का जब मेरे दुश्मन मेरे सामने आएंगे। तभी उसको अपने पीछे से किसी पंछी की आवाज आती है जो कि उसके लिए खत लेकर आया था, और उस खत को पढ़ने के बाद शाओयन को थोड़ी सी टेंशन होने लगती है, जिसके बाद फिर वो यहाँ पर बुलाने लगता है काइलिन को, यानी कि क्वीन मेड्यूसा को। वो काफी जोरों के साथ में चिल्लाता है कि काइलिन तुम कहाँ पर हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें यहाँ पर आना ही होगा। और वो लगातार अभी भी काइलिन नाम से चिल्लाते ही जा रहा था, तो फिर तभी उसके पीछे से क्वीन मेड्यूसा आकर उससे कहती है कि चुप हो जाओ, मेरा नाम क्वीन मेड्यूसा है ना कि काइलिन। शाओयन उससे कहता है कि अब हम दोनों को यहाँ से हार
शान फेंग की सिटी ब्लैकफुट में जाना होगा। तो मेडिसन उससे कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो, मैं तुम्हारी इन बेकार के चालों में फंस जाऊंगी, मैं केवल तुम्हारे साथ में रह रही हूँ, ना कि तुम्हारी गुलाम हूँ। तो शाओयन उसको ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरे अलावा सोल रिसरेक्शन बिल्कुल रिफाइन कोई भी नहीं कर सकता, तो अब तुम खुद ही सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। और वो तुरंत ही यहाँ से अपने डो विंग्स को लगाकर निकल जाता है। लेकिन क्वीन मेडुसा अभी भी वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद वह ब्लैकफुट पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम शाओली को उसके कुछ साथियों के साथ में देखते हैं और उसके सामने वही तीन लोग आ जाते हैं जो कि हान फेंग के साथ में बिजनेस किया करते थे। शाओली उनसे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम लोग ब्लैकफुट की फिस्ट के नाम से जाने जाते हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोग इतनी ताकत रखते हो कि आराम से मेरे हाथों से इस ब्लैकफुट सिटी को ले जा सकते हो। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि मैं शाओ क्लीन का लीडर नहीं हूँ, इसीलिए अभी तुम लोगों के पास में मौका है यहाँ से भाग निकलने का। लेकिन अगर तुम लोग उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जब तक कि अब वो यहाँ पर वापस नहीं आ जाता। तो मिस्टर आयरन कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ, और क्योंकि तुम यहाँ के लीडर नहीं हो तो मैं तो तुम्हारी मुंह भी नहीं लगना चाहता। जिस बात पर शू हंसने लगती है कि उसके साथी ने शाओली का कितना अच्छा मजाक उड़ाया। तभी बुड्ढा बोल शाओली से कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से ना जाओ, क्योंकि मुझे काफी वक्त हो चुका है किसी को तड़पाए हुए। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने हाथों से टॉर्चर करूँ। और फिर वो तीनों ही यहाँ पर उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर शाओली भी उनसे कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी तुरंत ही तैयार हो जाता है कि मैं भी तुम्हारा सामना करके दिखाऊंगा। और फिर तभी यहाँ पर एंट्री होती है शाओयान की, और वो उन तीनों से ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे बेकार लोग यहाँ से तुरंत ही निकल जाएं। जरा केवल इस बारे में सोचो कि जब हान फेंग मेरे सामने ना टिक पाया तो तुम लोगों की तो मेरे सामने औकात ही क्या है, जिसकी वजह से उनका गुस्सा शांत हो चुका था। शाओयान उन लोगों से कहने लगता है कि मेरे हिसाब से तो तुम लोग भी वही डिजर्व करते हो, और वो तुरंत ही अपने भाई शाओली के सामने खड़ा हो जाता है। इसको देखकर फिर बुड्ढा बोन्स कहने लगता है कि हमें इतनी देर से तुम्हारा ही तो इंतजार था, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तुम हमारे और हान फेंग के मसले के बीच में ना पड़ो, वो हमारा साथी था और उसके ना रहने की वजह से अब उसका ये राज्य हमारा हो जाता है। तो शाओयान इन लोगों से कहने लगता है कि मैं शाओयान अपने पूरे शाओ क्लीन का लीडर हूँ। अभी डीमन लेडी शू शाओयान का नाम सुनकर चौंक जाती है और वो कहती है कि क्या तुम ही शाओयान हो जिसने पेन लाओ और हान फेंग को मारा था। शाओयान हंसते हुए कहता है कि वो मेरी जिंदगी के छोटे मोटे काम है जो कि मुझे कभी कभी करने पड़ते हैं, और वैसे अगर उन लोगों के बारे में कहा जाए तो वो दोनों ही बहुत ही बड़े वाले फेकू थे, लेकिन अगर तुम लोग भी इस बार मेरी ताकत को आजमाना चाहते हो तो मैं तुम में से किसी को भी मना नहीं करूंगा। तुम लोग अगर मुझसे अपने साथियों की मौत का बदला लेना चाहते हो तो बेशक मुझसे लड़ाई करके उस काम को कर सकते हो। इस बात को सुनकर वो तीनों ही थोड़े से खुश होते हैं, लेकिन उनके मन में शंका भी होती है कि शाओयान ऐसा क्यों कह रहा है। मिस्टर आयरन शाओयान से कहता है कि मुझे ऐसा मत समझना कि तुम मुझे आसानी के साथ में हरा दो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्द लाऊंगा।